Okay, good evening everyone. This is Roger Vicky again, and finally it's time to leave for Ladakh. Right now the time is 5 PM और आज का डेट है 8th of June. आज रात को 12 बजे मैं निकलने वाला हूँ लद्दाख के लिए. पैकिंग चालू हो गया, आपको मैं दिखा देता हूँ. ये रहा टैंक बैग, अब इसी को भरने वाला. इसमें सारे मेरे कैमराज के चीज़ें रहने वाले हैं, और ये सारे ग्लव्स, बंजी लेड, ये सारी चीज़ें जो भी है सब टैंक बैग में. यहाँ पे ऑलरेडी हो गया पैकिंग. अभी यहाँ पे क्या क्या मैंने रखा है वो यहाँ पे मैं एक स्टिक कर दूंगा, या तो फिर यहाँ पे एक पेपर से स्टिक कर दूंगा. और यहाँ पे मेडिसिंस रखे हैं, यहाँ पे टूथब्रश, यहाँ पे मेरा इसका रेन कवर रखा हुआ है. इस साइड मैं आपको दिखा दूँ क्या क्या. यहाँ पे एक ऑयल है, एक्सटेंशन बोर्ड है, रेनकोट है, और केबल्स भी इसके अंदर है. यहाँ पे भी इसका रेन कवर है, और यहाँ पे अभी बंजी नेट्स रखा हूँ. अभी और सारी चीज़ें रखने बाकी हैं, और लैपटॉप मैं कैरी करने वाला हूँ यहाँ पे, जिसका अलग से कंपार्टमेंट है. और ये वाला बैग भी मैं कोशिश कर रहा हूँ इसी में डालने के लिए. सो अब मैं मिलता हूँ आपको शाम को. शाम को हो सकता है नाजी और मेरे शोएब और ये सारे फ्रेंड्स आने वाले मिलने के लिए. सो या एक्साइटेड एट द सेम टाइम एंड वेरी नर्वस ऑल्सो. सो आई विल सी यू एट द बाइक. ये है लद्दाख के पहले की रात. सो गाइस, फाइनली जो पैकिंग वैकिंग था बाइक पे हो चुका है. ऑल थैंक्स टू माय टीम, निखिल, अभिषेक, नाजी, मंदार, विनोद, अंकित, ओमकार, रोहित, थैंक यू सो मच गाइस. ओके, बाय द वे ये रहा जैकेट के ऊपर रेनकोट, देन ये जैकेट राइडिंग जैकेट के ऊपर भी पहनने वाला हूँ. ये रहा मेरा बैग का कुछ सेटअप इस तरीके से. सैडल बैग मेरा, इसमें सारे ये वाटरप्रूफ बैग है इसलिए इसको ऊपर रखा हूँ. और ये रहा मेरा टैंक बैग. सो सब आए हैं मुझे सी ऑफ करने के लिए, तो थैंक यू सो मच गाइस. थैंक यू सो मच. अब निकलते हैं लद्दाख के लिए. हम लोगों का हाल फिलहाल आफ्टर डूइंग 120 किलोमीटर्स, राइट, 120 किलोमीटर्स फ्रॉम फाउंटेन होटल. और ये रहे हम सब. सो अभी हम लोग कहाँ पे हैं? हम लोग फिलहाल पहुँच चुके हैं महाराष्ट्र गुजरात का जो बॉर्डर है, चेक पोस्ट है उसके जस्ट 2-3 किलोमीटर आगे. एक 5-10 मिनट का ब्रेक लेंगे, पानी वानी पियेंगे, उसके बाद फिर वापस से एक स्ट्रेच मारेंगे 160 किलोमीटर का. We have reached somewhere on the highway to the Hotel National. और सूरत अभी 10 किलोमीटर, हम लोग 10 किलोमीटर आगे आ गए सूरत से. गुजर भाई, गुड नाइट. गुड नाइट. 15 मिनट्स लेटर. ओके सर, जस्ट टेकन 10 to 15 मिनट्स ऑफ पावर नैप, एंड now we are all set to leave for Samlaji, which is around 321 kilometers from here, and it will take around 6 hours. And one more thing, I am not recording with my GoPro because the बारिश हो रहा है बीच बीच में, तो I cannot use my external microphone, क्योंकि उसकी वजह से फिर waterproof नहीं रहेगा वो, problems ना create हो, इसके वजह से मैं सिर्फ road का music के through दिखा रहा हूँ आपको. Hello.
પેલો ગન્નાના જ્યુસ વાળો હતો, ગન્નાનો જ્યુસ વાળો હતો તો પીવું હોય તો. હા ચાલ ચાલ, ગન્ને કા જ્યુસ પીએંગે. જરા ઇધર 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 પીછે પીછે રે, ગોપરો કા આગે કા પૂરા યે હો ગયા. હા રે, તો અભી વો કિચડ આયા ના ઉધર. ઇટ્સ સ્ટીલ રિકોર્ડિંગ. અભી ભી રેકોર્ડ હો. યા યા, લેટ ઇટ બી, લેટ ઇટ બી. સો ગાઈઝ, વી હેવ રીચ વેર? ભરૂચ. ભરૂચ. યુ હેવ ધેટ, યુ હેવ જસ્ટ ક્રોસ ધ ભરૂચ બ્રિજ. And we have just stopped for the refueling. Yeah, this side man. Yeah, this side man pouch che maje energy drink. Any unbearable hours later. Okay, okay, the time is 3:15 and we have reached Godhra. Aur hum log ka plan hai ki ab hum log yahi pe stay karne wale hain. Subah in the morning we will be leaving for Jaipur 4 baje ke aas paas. Ek bar aapko main hotel dikha deta hu. Halat isliye kharab hai, main aapko wo bhi dikha deta hu. We are staying at Hotel Atithi. Look at the bikes. ये देखो बाइक की हालत. ये है बाइक की हालत. रिमूविंग ऑल द सैडल बैग्स. अब हम लोग जाने वाले अपने रूम में. ओके, सो दिस आर द लगेज विच वी आर ऑल गाइज आर कैरिंग. और वो रहे जयेश भाई, डोंट यू से समथिंग? नो मैन, नहीं नहीं, फिर भी कुछ तो बोल दो. आज कैसा था एक्सपीरियंस? इट वॉज गुड. सबको ट्राई करना चाहिए एक बार अपनी जिंदगी में. जयेश भाई के वजह से वी आर गोइंग टू स्टे हियर. अदरवाइज हम लोग का प्लान था उदयपुर का नाइट. हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम लोग आज 3 बजे ना, तो मतलब आज रात शाम तक या रात तक 9-10 बजे तक आराम करेंगे. उसके बाद फिर 12 या 1 बजे हम लोग राइड करेंगे हमारे जयपुर के लिए. सो है ना, ऐसे ही कुछ प्लान है. जो भी रहेगा देखते रहिए. सो ये है हमारा रूम. ये तो ये डबल बेड रूम है और साथ में एक एक्स्ट्रा बेड है. दिस कॉस्ट अराउंड, अभी बताऊं रुको. ये रहा छोटा सा, अभी बात करेंगे. ये रहा बाथरूम, ये रहा टीवी एक और मैं, एक एसी, और ये रहे हमारे अभिषेक भाई. नहीं, जूम कर रहा था ना इसीलिए. अभी तक पूरा राइडिंग गियर भी निकाले नहीं है. ये रहा हाल. अब बात करते हैं प्राइस की. ये कॉस्ट किया हमें 5,000 रुपीज दोनों रूम. आई मीन 1,000 रुपीज पर पर्सन फॉर वन नाइट. रूम का प्राइस है 1,000 रुपीज, जो कि मुझे सब लोग बोले थे कि पर पर्सन है 1,000 रुपीज. ऐसा नहीं है, एक रूम का 1,000 रुपए है. आई थिंक दैट क्वाइट अफोर्डेबल. इधर तीन है कैमरा. कैमरा समा क्या खाली. सुनना दोस्त, वो गड्ढे पे ना एक चद्दर डाल देना और एक ये ओढ़ने के लिए कुछ दे देना. क्या विद अगेन राजा देखिए.